हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही क्रीमी और चीज़ी मैगी नूडल्स की रेसिपी देखने वाले हैं। इसे हम अल्फ्रेडो मैगी नूडल्स भी बोलते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अल्फ्रेडो मैगी नूडल्स बनाने के लिए हमने ये 2 पैकेट मैगी के लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच हमने मैदा ली है, 250 ml हमने दूध लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने घी लिया है, आप बटर का यूज भी कर सकते हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, थोड़े से ये चिली फ्लेक्स लिए हैं और स्प्रिंकल के लिए हमने ये मिक्स हर्ब लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मैगी बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें मैगी बनानी है। आप चाहे तो मैगी के अंदर सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे। इसे हमें बिल्कुल ड्राई बनाना है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे बना लेंगे। तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैगी बना ली है। तो देखिए, मैगी बन करके तैयार है। अब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में घी डाल देंगे, उसमें हम मैदा डाल देंगे और मैदा को हम लगातार चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक सेकेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें सेकना है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके दूध ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें ये सॉस बनाना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें दूध ऐड करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। आप सॉस की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा या पतला रखने के लिए इसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये थोड़ा सा मिक्स अब स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे। सॉस बन करके रेडी हो चुका है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद हम इसमें मैगी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। तो देख सकते हैं आप, हमारी अल्फ्रेडो मैगी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल देंगे। बहुत ही जल्दी से हमने इस अल्फ्रेडो मैगी को बना लिया है। बहुत ही टेस्टी, क्रीमी एंड चीज़ी मैगी बनी है ये। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।